आज से कुछ 4-5 महीने पहले मैं यूके गया था और वहाँ मैंने एक ट्रैवल लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन भाई को मज़ा नहीं आया। मैंने जो अच्छे ट्रैवल लॉग्स देखे हैं वो मैंने मूरो भाई के देखे हैं, मैंने वो इरफान जुनेजो के देखे हैं। उसके अलावा एक बंदा है, आई थिंक थाई बंदा नहीं अमेरिकन बंदा है, मार्क वीन्स। उसके फूड ट्रैवल लॉग्स होते हैं, वो दुनिया में घूमता है खाली खाना खाने के लिए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने वो देखे हैं। और मैं एक टाइम पर इनसे काफ़ी बहुत इंस्पायर भी हूँ, स्पेशली मूरो भाई और इरफान जुनेजो के देखे कि यार मुझे भी ट्रैवल लॉग्स बनाने, मतलब ट्रैवल करना है भाई ने। फिर जब मैं यूके गया वहाँ मैंने ट्रैवल लॉग बनाने की कोशिश की तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शूट मैंने पूरा किया ट्रैवल लॉग, लेकिन जब मैं उसको एडिट करने बैठा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार जितना मुझे एक्चुअली में मज़ा आया ना, और जितना एक्चुअली मेरा ट्रिप नेक्स्ट लेवल था, वो मैं सही तरह वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब उतना जिस लेवल का क्रेजी ट्रिप मेरा वो गुजरा, उसको मैं इस पर उतार नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे फीलिंग आ गई। तो जब मुझे ये फीलिंग आ गई तो मैंने ये डिसाइड किया तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं हो रहा, ऐसा मैं ट्रैवल लॉग नहीं बना रहा जो मेरे जितना अच्छा मेरा ट्रैवल गुजरा है उसको वो सही तरह आपको बता ना पाए, ये तो नहीं हो रहा। तो इसके बाद मेरा फिर ट्रैवल लॉग से दिल उठ गया। मुझे पता नहीं अपने आप पर डाउट हो गया कि शायद मैं ट्रैवल लॉग्स अच्छे बना नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज बाकी सबके तो अच्छे बनते हैं, मूरू भाई और इरफान जो के ट्रैवल लॉग्स कमाल होते हैं। तो इन एनी केस मेरा ट्रैवल लॉग से दिल उठ गया और मैंने ट्रैवल लॉग्स देखना और ट्रैवल लॉग्स के बारे में सोचना कि मैं एक दिन बनाऊंगा, ये सब मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद, आज से कुछ 1.5 से 2 हफ्ते पहले मेरा दोस्त अब्दुल्ला, जिसको आपने शायद देखा हो मेरे पहले व्लॉग्स में, उसके साथ मेरा प्लान बना कि यार हैदराबाद चलते हैं, चक्कर मार के आते हैं हैदराबाद। लेकिन जब हैदराबाद चलते हैं तो उससे मुझे ख्याल आया कि अब हैदराबाद जाएं तो ट्रैवल लॉग थोड़ा शूट करें ट्रैवल लॉग। लेकिन मैंने जैसे ही ट्रैवल लॉग का नाम अपने जहन में लिया, मेरा मूड ऑफ। मैंने कहा यार ट्रैवल लॉग तू बनाने की कोशिश कर चुका है, तुझसे नहीं होता, ट्रैवल लॉग तू नहीं बनाएगा, तू चले जा वैसे ही वहां चले जा, लेकिन तू ट्रैवल लॉग नहीं बनाएगा। फिर मैं, जिस तरह की शायद आप लोगों को पता हो, कुछ अरसे पहले मैं एक मीटअप पे गया था जहां मेरी मूरो भाई से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक ऐसी प्यारी बात करी कि मैं क्या बताऊं कैसी प्यारी बात करी। उन्होंने बोला कि जब तुम ट्रैवल करते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो तुम्हें जो वहां पे ख्याल आते हैं ना, जो तुम्हें एक वहां के एक्सपीरियंसेस, जो थॉट्स तुम्हारे जहन में डालते हैं, तुम्हारी जहन में बातें आती हैं, उनको तुम कहीं संभाल के रख लो, भले अपने जहन के अंदर ही है, भले कहीं लिख लो व्हाटएवर, लेकिन उन थॉट्स को संभाल के रख लो। और फिर जब तुम बाद में एडिट कर रहे हो, जब बाद में तुम बना रहे हो ट्रैवल लॉग, तो उन थॉट्स को अपनी वीडियो में इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि वो थॉट्स आर अ ह्यूज चंक ऑफ हाउ बैड और गुड योर ट्रिप एक्चुअली इज। तो वो थॉट्स का उन वीडियो में प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या बात है मूरो भाई, कमाल बात। फिर इस ट्रैवल लॉग वाले आइडिया को जो मूरो भाई ने बताया है, इसको मैं अपने टेबल पे लेके आया और इसको मैंने देखा, और मुझे इससे 4-5 आइडियाज और आए कि यार ट्रैवल लॉग्स में ये किया जा सकता है, या ये हो सकता है, या इस तरह की भी ट्रैवल लॉग्स हो सकते हैं। मैंने बहुत सोचा, तो उन आइडियाज को ये मूरो भाई के आइडियाज से मैंने मर्ज कर दिया और फिर मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि यार नवी तू इस तरह के ट्रैवल लॉग्स बनाए, शायद फिर तेरे ट्रैवल लॉग्स उस तरह के हो जाए जिस तरह के तू चाह रहा है। तो फिर मैं इस नए फॉर्मूले ऑफ ट्रैवल लॉग्स के साथ गया हैदराबाद और वहां मैंने ट्रैवल लॉग शूट किया, और वो ट्रैवल लॉग इस वक्त हो रहा है एडिट और आ रहा है इंशाल्लाह कल, विच इज सैटरडे। डेट पता नहीं क्या है, बट कल आ रहा है सैटरडे को, तो देखते हैं कल क्या गुल खिलाता है आपका भाई। बट अंटिल देन तकलीफ।